गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठे हैं यार। आज तो संडे है, संडे अजमेर में लॉकडाउन है, सभी दुकानें बंद है, बाहर भी निकलने देते और पुलिस खड़ी है डंडे लेकर, और हम फंस चुके हैं। फंसे तो लेकिन क्या है, एक दिन का आराम है, कर लेंगे। ऐसे बोरिंग हो जाएगा रूम में सारा दिन, फिर पूरी रात, तो आज कहीं नहीं जा पाएंगे ना, वो सिर्फ आराम करेंगे। और रफीक ले रहे हैं अज्जी के साथ है। तो मैंने पहले बोला है, फोन में बोला जाता है यार। हेलो, ठीक है रफीक, आज अब बाहर नहीं जाएंगे तो? नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे आज दोस्तों, हम बाहर नहीं जाएंगे। बाहर पुलिस खड़ी है डंडे लेके, इतने इतने मोटे डंडे लेके खड़े हैं दोस्तों, तो हमें आज यहीं पे एडजस्ट करना होगा। कोई इतनी दिक्कत तो हमारे है नहीं, हम पांच सात लोग हैं, कमरा है, रूम है, खाने पीने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, करेंगे। दिल तो घना ही कर रहा है बाहर घूमने का, पर क्या करें यार, घूमना ही पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी चाय और खाना रूम में आ जाता है, रूम सर्वेंट कर देता है। सुबह चाय पी है, वो बिस्कुट ले आ दिया था उसने। तो मुश्ताक वो बाहर गए हैं बात करने के लिए, इसमें नेटवर्क कम रहता है तो वो बाहर गए हैं। नेट नुट तो चलता है, आवाज कम होती है, आवाज कम आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं आराम। ओके, हेलो, आगे नहीं बुढ़ा, हेलो दोस्तों, हम सुबह के अब उठे तो यहीं पड़े रहे थे, अभी दिन के 1:30 बज गए और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, भूख लगी थोड़ी थोड़ी। तो आज लॉकडाउन है, संडे है, तो बाजार सभी बंद होगा, कोई होटल खुले हैं तो हम कल खाना खा के, उसने बोला कल होटल हमारे खुले रहेंगे, हम वहीं जाएंगे अब खाना खाने। और हाजी को ज़्यादा भूख लगी है, और अता मोहम्मद रेडी हो रहे हैं मास्क वास्क लगा के, और वॉच बन रहे हैं। मुश्ताक है ना, वो अभी तक अपने खाने के लिए पैसे ले रहे हैं, और फीक हमारे वो आगे निकल चुके हैं, तो ताला मुझे भी लगाना पड़ेगा इस रूम का, या आप लगा दोगे? तो हम जाते हैं खाना खाने। ओके, खाना खा के आके फिर करते हैं आपसे बात। हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने, पता नहीं पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, खाना मिलेगा या नहीं देखते हैं। मूवी चल रही है बहुत ही अच्छी। रूम के अंदर टाइम का पता ही नहीं चला कब 1 बज के, कब बाहर बहुत तेज धूप है। आज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत ही आनंद आता घूमने का। ये मैन गली आ गई दरगाह की, तो हम दरगाह की तरफ नहीं, दूसरी दिल्ली गेट की तरफ जाएंगे, इधर दिल्ली गेट है। ये सामने दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन है, बाजार सभी बंद है आज,
संडे, ऊपर से संडे, ऊपर से लॉकडाउन, कुछ कुछ दुकानें, मेडिकल वगैरह, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत कुछ खुली हैं, बाकी सब बंद हैं, मेडिकल खुले हैं। तो चलते हैं होटल में। ओके, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। आगे चलो, यहाँ खाना तो है, होटल खुले हैं, बट हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। खाना तो बढ़िया है, हम गेहूँ की चपाती खाते हैं, खाएंगे, और वो यहाँ मिलेगी नहीं, यहाँ चावल की मिलती है, मिक्स मिलती है, मिक्स। हेलो दोस्तों, ये हम आए हैं होटल पर खाना खाने, खाना तो आ नहीं रहा और अपने अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। अच्छा, आज अपना मोबाइल हाँ चला रहे हैं भी, मैंने सोचा नहीं चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। मास्क कर दो, होटल के अंदर आके खाना खाने हैं, मास्क हटा दो। आज ही तो ज़्यादा सीरियस हो रहा है कोरोना को लेकर, तो खाना खाते हैं, खाना खा के फिर जाएंगे वापस रूम में, और सब बंद है आज, इसलिए घूमने की जगह नहीं, काफ़ी दूर आया हम अपने रूम से, तो पीछे सब होटल बंद थे, ये होटल खुला था। हमने खाना खा लिया है, ये पीछे होटल दिख रहा है, होटल का नाम है महादेव का ढाबा, बहुत ही बढ़िया खाना था। खाना खा के अब बाहर निकल गए और हम जा रहे हैं अपने रूम। देख देख टहल के सिर है, पेट भरा हुआ है अब इनका, जी मजे आ गया, शांति आ गई है, बहुत ही बढ़िया खाना था, मजे आए, हाय हाय मजे। आज लॉकडाउन तो है पर इतना सख्त नहीं है, दुकानें बंद है, वैसे लोग आ जा रहे हैं, वैसे रोक टोक नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, खाना आपको कोई वैसे ज़्यादा नहीं घूमने देते, थोड़ी बहुत बसें भी चल रही है। तो रूम में जाएंगे अब, पहले चाय पी के फिर रूम में जाएंगे। फिर हम मूवी देख रहे थे, ढोल मूवी थोड़ी रह गई थी, वही देखेंगे जाके। सुंदर जगह है अजमेर, बहुत ही बढ़िया। ओके, यार एक बात आप नोट की है, तो पीछे जो व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है बादलों का, बहुत ही शानदार। कमरे में अपने रूम में वापस आ चुके हैं, खाना खुना खा के और थोड़ा बहुत घूम कर हम मिल्क केक लाए हैं खरीद कर और खाएंगे इसको। थक गए यार। ओके, ओ मेरा चार्ज दे भाई मुझे। इसका सवाल इसको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। मैं आप कैसे जाओगे?
सर वो पहाड़ पहाड़ के पीछे क्या है? इसमें आगे अगर नो नेक्स्ट डे कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम कल से एक चीज़ की तलाश कर रहे हैं, वो हमें पूरे बाजार में नहीं मिली। तो वो आपको बता देते हैं क्या चीज़ है। वो है ये चूना जो अता मोहम्मद को चाहिए था। ये चूना इसको 10 रुपये में पड़ा है, 10 रुपये में पड़ा है। हाँ ये 10 रुपये में पड़ा है। इसके साथ वो एक जर्दा वो दे रहे थे, वो हमने गणेश जर्दा वो हमने लिया नहीं, वो हमारे काम का नहीं था, वो खाते नहीं हम, ये अलग खाता है कुछ। तो गौर से देख लो इस चीज़ को, अजमेर में ये हमें 10 रुपये का पड़ा है, 10 रुपये का पड़ा है ये, 10 रुपये का पड़ा है। और बहुत भी कुछ ऐसी चीज़ हैं आपको बहुत नहीं मिलने पर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो देख लो आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ में लेके हैं, चूना वगैरह हो गया। तो यहाँ पे चूने को चूना ये इसको चूना लग गया 9 रुपये का, 1 रुपये की है ही, फिर 9 रुपये का और चूना लग गया। तो अता मोहम्मद इस वक्त बहुत खुश है, इसको चूना मिल गया। हम कल से ढूंढ रहे हैं पर मिला नहीं, आज जाके इसको चूना मिल गया। ये अजमेर की गलियों में, अजमेर की ये पतली पतली गलियां हैं, बहुत ही सुंदर घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के बीच में, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। तो आज हम वैसे लॉकडाउन है मेन बाजार में, तो हम गलियों में आज घूम रहे हैं, और तो जगह नहीं है घूमने के लिए। आना सागर जाना चाहते थे पर हमारा टूर आज आना सागर का था, वो बंद है आज। तो हम इधर आ गए अजमेर की गलियों में, ख्वाजा के गलियों में। तो ओके, घूम कमा के फिर जाएंगे रूम में, आराम करेंगे। बाय।